हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 19 अगस्त 2023। 19 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अभी 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वकर्मा योजना के तहत कितने केंद्र सरकार द्वारा कितनी रकम को खर्च किया जाएगा? तो वो खर्च किया जाएगा दोस्तों 13,000 करोड़। विश्वकर्मा योजना के तहत चर्मकारों, सुनार, नाई आदि के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 5 साल के अंतर्गत इस योजना के तहत 13,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया, इसके जरिए लोन लेकर छोटे कामगार अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाल ही में भारत ने विमान ड्रोनियर 228 किस देश को समुद्री निगरानी के लिए सौंपा है? तो वो सौंपा है दोस्तों अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को। जनवरी 2018 में हुई बैठक के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच सुरक्षा को लेकर द्विपक्षीय चर्चा के दौरान ड्रोनियर की बात सामने आई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी राजधानी, श्रीलंका की राजधानी दो है, जो कि पहली है जयवर्धनेपुरम कोट्टी और दूसरी है कोलंबो। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं रानिल विक्रमसिंघे, राष्ट्रपति हैं दिनेश गुणवर्धने और मुद्रा यहाँ की है श्रीलंकन रुपया। चलिए तीसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाल ही में जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC के रूप में भी जानते हैं, कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है आर दुर्गास्वामी को। अच्छा, आप लोगों को पता है रवि सिन्हा किस विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं? तो वो है अपनी खुफिया एजेंसी रॉ। और आगे देखते हैं, इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय जो है इसका महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष इसके सिद्धार्थ मोहंती हैं। वर्ष 2023 में भारत में इलेक्ट्रिक बस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस परियोजना को मंजूरी दी गई? तो मंजूरी दी गई है PM बस सेवा को। इस योजना के माध्यम से सरकारी निजी भागीदारी मॉडल के तहत 100 से अधिक शहरों में 10,000 बसें चलाई जाएंगी। भारत में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जाएगा? तो वो है अप्सरा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।